जंगलात का कटाव कर रहे हैं, हमें कुछ कुछ पता ही नहीं। जंगलात के कटाव करने की वजह से जो है जो जो दरख्त जो है CO2 एब्जॉर्ब करता है। आज हम दरख्त अगर नहीं उगाएंगे तो CO2 एब्जॉर्ब कैसे होगी? CO2 हवा में फैल जाएगी, एनवायरनमेंट में फैल जाएगी। CO2 बहुत हार्मफुल है, जिस तरह मीथेन गैस होगी ये भी बहुत हार्मफुल है। अब ये मीथेन गैस कैसे पैदा होती है? आजकल जो हम खाना खाते हैं वो हम मतलब बचा देते हैं उसको, जिस तरह आजकल पार्टीज जो होती हैं उसमें खाना बच जाते हैं, 2x4 जो खाना जो होता है हम वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। जो वेस्ट खाना जो है उससे मीथेन बनती है CH4, जो बहुत ही हार्मफुल गैस है। और CO2 गैस ने आपको उसके बारे में बताया, तो जो रिसेंटली रिसर्च हुई है उससे पता चलता है कि जो है 30 बिलियन टन CO2 हवा में फैल गई है, कि जिससे बहुत ही बैड इफेक्ट हुए हैं। और 40 ppm जिन्हें हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, इतना जो इतना हार्मफुल इफेक्ट हुआ है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। तो आपसे खुदारा अपील है कि दरख्त उगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जो CO2 एब्जॉर्ब हो, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बहुत कम हो। जिस तरह हम अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द एटमोसफेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग की जो मेन कॉज है वो यही है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है कि उसमें जो गैसेज होती हैं, जिसने आपको नाम था CO2 जो हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, तो इससे हम इसके हम बचा जाए। जॉर्ज बटलर कहता है कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग हम खुद ही पैदा कर रहे हैं, ये जो इंसान जो हैं ये खुद ही अब दरख्त अपनी आसानी के लिए दरख्त काट रहे हैं और वहाँ पे घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, शहर आबाद हो रहे हैं। तो जो इंसान जो है यही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, ये हिसाब है इसका। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के बचने के लिए हम यही करें कि हम अपनी इन्वायरमेंट को अच्छा करें, जिससे। और इस दूसरी बात इसकी कि जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जो हम बहा रहे हैं, जो गैसेस स्टैक गैसेस निकल रही हैं, उससे ये होता है कि इन्वायरमेंट में जब गैसेस फैलेंगी तरह तरह की गैसेस, तो आपको पता है ये सांस लेने में मसला होगा। जिस तरह अस्थमा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल जो हम देखें, कैंसर डिजीज, द हार्मफुल डिजीज। तो ये जो चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको हम पढ़ें, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो इससे बच जाए। और आज हम अगर इस पर काबू रख लेंगे ग्लोबल वार्मिंग पे, तो हमारी हुकूमत भी हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करे इसमें। जिस तरह हमारे PM साहब इमरान खान साहब ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो कहते हैं कि दरख्त जो है वो उगाए जाएंगे। आज हम दरख्त उगाएंगे तो हमारी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, इस पीस होगा। तो हम आप सब चाहते हैं ना पीस हो, और हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है जो हमारी कम हो जाए। तो इसके बारे में जो ब्रीफली डिस्कस करेंगे वो शायद आज।